हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पहले ऑर्गेनिक केस रेड अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू। मैं इसे पिछले कुछ एक महीने से ऊपर हो गया है यूज कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्टली आप देख लीजिए, कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मेरे पास आया था। 100 ml की क्वांटिटी है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 249 rupees इसका बैक साइड में प्राइस है, बट ये मुझे 199 rupees में अमेजोन से मिली थी, और बहुत सारे वेबसाइट पर ये अवेलेबल है एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के साथ अवेलेबल है, और डिस्काउंट ऑलवेज रहता है इस पर। ऑलमोस्ट वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट पे आप देखेंगे ना, ऑनलाइन डिस्काउंट रहता ही है। अगर बात की जाए शेल्फ लाइफ की, तो 2 साल की शेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। अब बात करते हैं अनियन ऑयल, इसके बेनिफिट्स तो बहुत होते हैं, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता भी चुकी हूँ। बट बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, उनका अनियन हेयर ऑयल या शैम्पू लगाना ना बेयर करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इतनी गंदी स्मेल आती है। मेरे पास एक ऑयल पहले से रखा है, मैंने परचेज किया था, बट मैंने सोचा था कि इसको यूज करूंगी और उसके बाद मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन एक बार लगाने के बाद ही ना मेरे को आधे घंटे में ही हेड वॉश करना पड़ा था। इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी ना, बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल थी, टॉलरेट नहीं हो रही थी, मुझे वॉमिट तक आ गई थी। बट थैंक गॉड कि इसके अंदर ऐसी वो बात नहीं है। इसकी जो स्मेल है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब फ्रेग्रेंस है, और वो आप आराम से इसको अपने हेड पे रख सकते हो, मतलब बालों पे लगा सकते हो। 3 से 4 घंटे भी आप रख सकते हो, आप चाहो तो ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हो। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट इस हेयर ऑयल के बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अनियन के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। फर्स्टली तो ये हेयर ऑयल है, इसके साथ साथ इसके अंदर और भी यूजफुल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो मिलकर हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, हमारा जो हेयर फॉल होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, सेकंड हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बना के हमारा जो डेंड्रफ है उसको खत्म करते हैं, इचिक है उसको खत्म करते हैं, और साथ ही साथ हेयर को प्रमोट करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और हमारे हेयर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, और हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे कि हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए जो कि ये हमें बेनिफिट्स देते हैं। तो यहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट जो है क्वांटिटी के साथ मेंशन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पर शो भी कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्टली इसके अंदर डाला गया है जो कि इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है अनियन, इसी के साथ साथ एलोवेरा इसके अंदर डाला गया है, नीम डाला गया है, और इसके अंदर डाला गया है भृंगराज, नारियल, आलमंड, बादाम, जैतून, रोज बेरी, तिल, प्लैंडू, आंवला, गंधल, क्रूर सॉरी कर्पूर, और गुलाब, चंदन, आम। तो ये सभी इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा सुपर है ना, जो सभी मिलके हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। बट मैं आपको वीडियो को अंदर ये चीज बता दूं कि जब भी आप कोई भी एक ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लगाते हो ना, तो 1 या 2 टाइम में आपको रिजल्ट पॉसिबल नहीं होंगे। आपका जो स्कैल्प है उसके अंदर से जो हेयर रूट्स कमजोर हो चुके हैं वो तो निकलेंगे आपके, 2 से 3 बार तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन इसके जो रिजल्ट है ना वो कम से कम 6 से 7 बार यूज करने के बाद आपको डेफिनेट दिखेंगे कि तब आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। आपने पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तो जो स्कैल्प हो चुका है कमजोर वो तो एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट धीरे धीरे रेगुलर यूज करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट्स विजिबल हो रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट्स हैं कम से कम आपको 7 to 8 टाइम यूज करने के बाद ही दिखेंगे। तो कभी भी रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं मिलते हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कीप पेशेंस। एंड अगर बात की जाए कि इसको मैन एंड वुमेन दोनों लगा सकते हैं, और अगर इसको लगाने का मेन प्रोसीजर तो सेम जैसे ऑयल करते हैं आप वैसे ही होता है। मैं इसे वीक में 2 times या 3 times यूज करती हूँ, और आप भी इसे 2 या 3 times ईजिली यूज कर सकते हैं। जब भी हेड वॉश करना होता है फीमेल का, ये होता है ना कि वीक में 2 या 3 times ही हेड वॉश करती है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और हेड वॉश करने से 3 से 4 घंटे पहले भी आप इसे यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है आपको, स्कैल्प में इसे मसाज करना है, लेंथ में मसाज करना है, एंड आफ्टर दैट आपको छोड़ देना है, वो आपकी मर्जी है, 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट, एंड आफ्टर दैट आप हेड वॉश कर सकते हो। एंड ये आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइनी भी बनाएगा एंड लॉन्ग भी बनाएगा। और है तो मेरी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हार्मफुल नहीं है, इवन दैट इसके अंदर पैराबेन नहीं है, सिलिकन नहीं है, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक 20 नहीं ऐड किए गए हैं, आयुष सर्टिफाइड है, और ये वीगन
वीगन है, क्रूल्टी फ्री है, तो 100% सेफ है। तो मैं अगर बात करूँ तो मैं इसे 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि मुझे इसका कोई भी एक भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिला है, क्योंकि मैं इसे 1 month से ऊपर हो गया यूज करते हुए। तो जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया था ना, जैसे वेदर चेंज होता है, हेयर फॉल होता है, तो 2 बार मेरे को रेगुलर वही हेयर फॉल हुआ, बट 3rd बार से ही मेरा हेयर फॉल रिड्यूस होने लग गया। मैंने फिर भी आपको ये बोला कि एटलीस्ट 7 to 8 times आप थोड़ा पेशेंस रखना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेंगे। सो तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, आप ट्राई करके देखिएगा। एंड सबसे मुझे सुपर बात इसके अंदर यही लगी कि इसकी ना कोई भी बैड स्मेल नहीं है, तो हम अच्छे से बेयर कर पाते हैं। सो तो ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू एंड एक्सपीरियंस, जो कि मैंने खुद एज्यूम किया, आफ्टर दैट आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।